सुनील यादव शाहनवाज हुसैन नाराज हो गए पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया पूछिए। जी जी राजीव तुम्हें भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड राजीव के बाद जाऊंगा। सुनील यादव आपकी बारी है। अमेश जी देखिए शाहनवाज जी ने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के बारे में सिद्धार्थनाथ सिंह से पूछा, अब क्या सिद्धार्थनाथ सिंह जी बताएंगे? मैं कह रहा हूं देश में विपक्ष की पहली ऐसी पार्टी समाजवादी पार्टी है जिसने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो मजदूर दुर्घटना में जिनकी जान गई है उनको एक एक लाख रुपए की आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी ने कहा। हमारे नेता ने पहले दिन जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो हमारे नेता ने कहा अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से कि बिना प्रचार किए गांव में गली में ब्लॉक में जिले में लोगों की मदद करनी है। हम मदद कर रहे हैं, हम कोरोना में पार्टी नहीं है, हम आलोचना कर रहे हैं, कोरोना में देश के साथ खड़े हैं। आपने कहा कि योगी जी ने इतने पहुंचा दिए बच्चे फंसे थे, योगी जी बच्चों को वहां से लेकर आए, दुर्घटना में मर रहे हैं, 6 लाख लोगों को कौन है उत्तर प्रदेश में? 20 लाख से मजदूर पूरे देश से चल रहे हैं, करीब 20 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में लाए गए, 1000 ट्रेन योगी जी ने चलाई। आप आज उस योगी की आलोचना कर रहे हैं, आज मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। आप लोगों का काम है योगी आदित्यनाथ की आलोचना करना, नरेंद्र मोदी की आलोचना करना, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात लोगों की सेवा में लगा है उसके बारे में इस तरह के शब्द बोलना पूरी ईमानदारी से। सुनील यादव और एक सेकंड शाहनवाज जी अब आपको मौका मिल गया, अब आप शांत रहिए। सुनील यादव आपने बोला कि कांग्रेस बीजेपी पर तो आपने हमला बोला, आपने बोला कांग्रेस भी अपना खेल खेल रही है, उनको भी टेलीविजन पर सोशल मीडिया पर जगह मिल गई, क्या इस पूरे बस आंदोलन से या बस पॉलिटिक्स से प्रियंका वाड्रा को यूपी में भी जगह मिल जाएगी? क्योंकि कांग्रेस चाह रही है उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा कांग्रेस का चेहरा बन के उभरे और इस समय तीन युवा चेहरों के बीच में ये लड़ाई होगी 2022 की, एक तरफ योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और तीसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा। माध्यम से अमित जी मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ही जानना चाहता हूं कि क्या ये दौर ये स्थिति जिस पर आप बहस कर रहे हैं जो संकट देश के सामने इसमें राजनीति का है? मैंने कहा कि दोनों दल बसों पे राजनीति कर रहे हैं, 4 दिन से राजनीति हो रही, क्या एक बस में भी मजदूर बैठा? जो लोग जो मजदूर देख रहे होंगे आपकी डिबेट या मजदूर के घर वालों को देख रहे होंगे, आप पॉलिटिकल बड़ी उम्मीद है, मेरा सवाल बड़ा दो टूक है, मेरा सवाल है क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आपको उत्तर प्रदेश का तीसरा चेहरा नजर आती है आया ना? आपको काम नहीं दिख रहा या आप कहते हैं दूर की कौड़ी है? अभी देखिए मुझे कोई चेहरा नजर नहीं आता, हम केवल आज के दिन गरीब के साथ जो मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं हम केवल उनकी चिंता कर रहे हैं, कल तीसरा चेहरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, पांचवा कौन होगा, ये जनता तय करेगी, हम आप नहीं तय कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फेल हुई है, एक तरफ योगी सरकार कह रही हम बसों का फिटनेस कराएंगे, एक्सीडेंट में 1 लाख रुपया दे देंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी खत्म, आपसे खुद मजदूर जी और योगी जी की आलोचना के लिए बैठे भारतीय जनता पार्टी और योगी जी और मोदी जी की आलोचना यही आज मजदूरों के खिलाफ क्या शाहनवाज जी पूरी जान लगा कर कोर राज्य को क्या नरेंद्र मोदी जी पूरी जान लगा कर देश के लिए